हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। प्रभु, अनुकासुर आपकी वरदान की गई अमोघ शक्ति का प्रयोग देवी गंगा के विरुद्ध करेगा, और आप तो जानते हैं कि मैं महादेवी गंगा को अपनी दीदी मानती हूँ। वो वरदान निष्फल कर दीजिए। नहीं देवी, मैं अपने दिए हुए वरदान को स्वयं क्षीण करूं, ये उचित नहीं है। भगवान, हे स्वामी, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, ये आपने क्या अनर्थ कर दिया? ये आपने कैसा अनर्थ कर दिया? कैसा अनर्थ देवी? मैंने तो कोई अनर्थ नहीं किया। आपने असुर सम्राट अंधकासुर को अपने त्रिशूल के अंश के रूप में अमोघ शक्ति का वरदान नहीं दिया? अवश्य दिया है, पर इसमें अनर्थ की क्या बात है? और वरदान देना अनर्थ कैसे हो सकता है? आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप भलीभांति जानते हैं कि अंधकासुर आपके इस वरदान का दुरुपयोग करेगा। दुरुपयोग करेगा तो उसका दंड भी वो अवश्य पाएगा देवी, क्योंकि शक्ति के वरदान में शक्ति के दुरुपयोग करने का दंड भी निहित होता है देवी। फिर इसमें चिंता का कौन सा विषय है? प्रभु, अंधकासुर आपकी वरदान की गई अमोघ शक्ति का प्रयोग देवी गंगा के विरुद्ध करेगा, और आप तो जानते हैं कि मैं महादेवी गंगा को अपनी दीदी मानती हूँ। जब आप ये जानती हैं कि गंगा जी महादेवी हैं, तो ये भी जानती होंगी कि उनकी शक्तियां भी महान हैं। उनकी सुरक्षा के प्रति आपकी चिंता अकारण है। मेरी चिंता अकारण नहीं है प्रभु, मैं जानती हूँ कि महादेवी गंगा आदिशक्ति का प्रमुख अंश है, महाशक्तिशाली है, परंतु उनमें ममता की भावना प्रधान है। वो अपनी शक्तियों का प्रयोग विनाश के लिए नहीं बल्कि कल्याण के लिए करती है। किसी का कल्याण करना तो अच्छी बात है, परंतु देवी गंगा को जब कल्याण की लगन में अपनी सुदबुद्ध तक नहीं रहती, और असुरों की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वो अपने हित के आगे किसी की नहीं सुनते, देवी गंगा के स्वर्ग में आगमन से वो उन्हें भी अपना शत्रु समझने लगे हैं, और अब आपका वरदान पाकर उनका साहस और भी बढ़ जाएगा। आप निश्चिंत रहिए देवी उमा, देवी गंगा को कुछ नहीं होगा। परंतु मेरा मन शंका ग्रहित है भोलेनाथ, यदि आपकी प्रदान की हुई अमोघ शक्ति का प्रयोग देवी गंगा के विरुद्ध हुआ तो इसका उत्तर आपके अतिरिक्त और कोई नहीं दे सकता, इसमें आपका अपमान होगा। इसलिए अब देवी गंगा की सुरक्षा के लिए आप ही को कोई उपाय करना होगा। कैसा उपाय देवी? वो वरदान निष्फल कर दीजिए। नहीं देवी, मैं अपने दिए हुए वरदान को स्वयं क्षीण करूं, ये उचित नहीं है, ऐसा करना अधर्म होगा। आप दानवों के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे, और देवी गंगा की सुरक्षा का उपाय किए बिना मैं निश्चित नहीं बैठ सकती। तो आप ही कोई उपाय कर लीजिए, अपनी दीदी की सुरक्षा के लिए आपको कुछ भी करने का अधिकार है। परंतु यदि ऐसा करते हुए अंधकासुर को प्रदान की हुई शक्ति का उत्तर मैं दूं, तो इसमें आपका अपमान नहीं होगा? और आपका अपमान करने की कल्पना भी मैं नहीं कर सकती। देवी, आप जानती हैं कि आपकी समस्त शक्ति मेरी ही शक्ति का स्वरूप है, इसलिए यदि मेरी शक्ति के विरुद्ध आप अपनी शक्ति का प्रयोग करें तो इसमें मेरा कोई अपमान नहीं होगा। तो फिर प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं स्वर्गलोक जाकर दीदी गंगा की सुरक्षा का प्रबंध करती हूँ। तथास्तु।